गाइज ये लोकेशन देखो क्या खतरनाक दिख रही है। वैसे तो हम लोग अभी तक जिस वाटरफॉल पे जाना था वहां पर पहुंच नहीं पा रहे, किस साइड में समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने हेयर स्टाइल थोड़ा सा कम कर ली, मतलब काट डाली, सो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। आई नो, चेक आउट दिस गाइज, सही है ना यार। 4 किलोमीटर पे अपने राइडर्स यहाँ पर रुके, यहाँ जाना या इस तरफ जाना ये सोचने के लिए। राइडर्स ऑन द व्हील, वी आर लॉस्ट, वी आर वंडर लॉस्ट। यहाँ से सीधा नीचे आ रहे थे ना, गाड़ी बंद करके ही चला रहे, 70-80 के आराम से स्पीड पकड़ रही है एकदम आराम से, और मेरा GoPro डेड हो चुका है, बैटरी एकदम खत्म है। दैट्स व्हाई मेरे को फोन से ब्लॉग बनाना पड़ा। किसके अंदर, किसके अंदर अभी जान बाकी है? मेरे अंदर अभी भी जान है। ये नहीं तो ये है। गाइस ये देखो, ये पत्ते दिख रहे हैं क्या? पत्ते 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 इस पेड़ से उड़ गए, जो रिवर्स वाटरफॉल होता है ना वैसे, रिवर्स लीव्स जो ऊपर जा रहे हवा में। ये देखो इधर अभी भी उड़ रहे, दिख रहा है क्या? थोड़े 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 है, और इसको चढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये बोल रहा है कि भाई कैसे चढ़ेगा ये, इसके पैर स्लीपर स्लीपरी हो रही है। ये दोनों इधर स्ट्रगल कर रहे हैं और ये इधर स्ट्रगल कर रहे हैं। ऊपर से 2-3 भाई आए, उन्होंने बोला कि रास्ता नहीं है भाई, वापस नीचे। मैं इनको बोल रहा था उधर से नीचे से जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, ट्रेकर की सुन ली किसको है, ये इधर से बैठ के जा रहे थे। ऊपर से लग रहा है ना पत्थर गिर रहे हैं एक-एक। ये डंडी छोड़ के सर्कस दिखा रहा है। डंडी डंडी छोड़ के सर्कस दिखा रहा है। घसरकुंडी, ये देखो ऊपर से भी वैसे ही लोग आ रहे। ये यहाँ पर ये तो फरारी का सवारी पहन के आया है, शूज। ये बच्चों से नहीं किया था मैंने कभी। कौन सी ये वाली? वो भी करना पड़ा। रेंगते हुए आया, रेंगते रेंगते कैसे लग रहा है। इधर से नीचे जाएंगे वहां तक, और वहां से देखो ये वाटरफॉल, यहाँ से ऐसे अपन ऊपर जाएंगे, क्योंकि वाटरफॉल से है ना चढ़ना इजी हो जाता है। उधर लगे गए। गाइस फाइनली अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है वाटरफॉल, यहाँ पर हमारे पीछे, और ये यहाँ पर है। अमित चल, लेट्स बैक टू द पवेलियन। वैसे है ना गाइस, बारिश होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, वो भी अच्छा है यार, क्योंकि ये नज़ारा है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। बारिश की वजह से है ना वो नहीं दिख। ओके गाइस, यहाँ पर है ना मैं फिर से आऊंगा यार, मेरे को है ना वहाँ पर जाने का है, जितना भी टाइम लगे भाई, अभी बस जितना भी टाइम लगे लगने दे मेरे को, नहीं इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तुम्हारे फॉलोअर्स के पास है? हाँ मेरे फॉलोअर है यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये देखो यार, अमित करेगा ना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर उसको, एक नंबर का, एक नंबर। इधर आदमी सामने दिख रहा है फिर भी क्यों पूछ रहा है? पर खाली कैसे दिख रहा, कैसे जायचे वॉटरफॉल कडे? तू खालून जाऊ ना सर का, हो इतने खाली वाट लागती। आता जर गेला तर किती वेळ पोहोचेल? 10-15 मिनिट, अर्धा तास। इधर से इधर नहीं आ रहा है, ऊपर कब आएगा? तू खाली रहता है, दुसरा म्हणजे तो तिथला कुठे कपडे काढून बसले ते। हा हा,
यार देख फिर कितने नूब है ना फिर अपन तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे भाई नीचे से भी है नीचे मेन है थर्ड वाला सीन अच्छा था अरे 10 मिनट इधर बैठ के चिल कर सकते वैसे आप भी क्यों शूट कर रहे हो मेरे को भी नहीं पता लेकिन एक यूट्यूबर के लिए ना जितना ज़्यादा कंटेंट हो जितना ज़्यादा वीडियो हो ना उतना कम ही है भाई इनके है ना रील वाले वीडियो चल रहे और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से शूट कर रहे हैं एक में एक दूसरे को एक में करना मन नहीं गाइस ये देखो कितना ज़्यादा खून बह रहा है ये तो अभी बहुत थोड़ा है अब तक तो बहुत ज़्यादा बह चुके हैं सीन ऐसे है यहाँ पर जो जरूरी है ना उसने इसको काट लिया अच्छा हुआ कि ऑल दो इतने नहीं है आज नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे उनका कहना था अगर बारिश होती ना तो वो टाइम पर बहुत ज़्यादा होते हैं हम यहाँ पर आए थे ना यहाँ पर पूरी बहुत ज़्यादा धूप थी अभी का मौसम देखने ये देखो पूरा फॉगी फॉगी पूरा फॉग बहुत ज्यादा फॉग है यार बहुत ज्यादा गाइस देखो ये अभी तो देखो बहुत ज्यादा आ गए बाइक्स भी ठीक से नहीं दिख रहा अरे सामने वाला पहाड़ तो गायब ही हुआ है पूरा गायब